16 साल के छात्र की हत्या का मामला, आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग, माधव चौक पर दिया धाकर समाज ने धरना, 4 से 5 आरोपी होने का किया दावा। शहर के भरोदी क्षेत्र में कल 10वीं के छात्र 16 साल की हत्या पत्थर पटक पटक कर दी गई थी। इस मामले में कल बहुत तूल पकड़ा था। इसके बाद धाकर समाज के लोग पुहारी चौराहे पर एकत्रित हुए, उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने 6 बजे तक का समय मांगा। इसके बाद धाकर समाज के लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। 24 घंटे बाद भी खुलासा न होने के चलते आज सुबह फिर धाकर समाज के लोगों ने पहाड़ी चौराहे पर एकत्रित होकर रैली निकालकर माधव चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और जिनके साथ पहाड़ी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा भी मौजूद रहे। इसके बाद शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन धाकर समाज की मांग है कि एक नाबालिग बच्चा इस तरह का निर्मम हत्या नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने 4 से 5 आरोपी होने का दावा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने आरोपी के घर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। आज जो चक्कर जाम किया गया है, किस मामले को लेकर किया गया है? देखिए, जैसे सभी मीडिया को विदित होगा कि कल शिवपुरी शहर में एक बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। एक बच्चे की, 10वीं क्लास का एक छात्र है, और उसकी सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में बरौदी के पास में जाकर के एक निर्मम हत्या की गई है। और हमने कुछ CCTV फुटेज जो हम तक आए हैं, पूरी जनता जनार्दन तक आए हैं, परिवारजन तक आए, हमने देखा है कि उस बच्चे के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो अपना मुंह बांध करके छुपा के उसको लेके गया है। पर जो जिस जगह घटना हुई है, उस जगह का कोई भी CCTV फुटेज नहीं है। और यहाँ जो आंदोलन किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि इतना बड़ा कृत्य, ये मीडिया भी इस बात से रूबरू है और अच्छे से जानती है कि इस तरीके का कृत्य और इतनी 15-16 साल के बच्चे के साथ, ये कोई धाकर, मैं ये नहीं कहता कि मैं धाकर समाज से हूँ, मेरे समाज का बच्चा है, ये किसी भी समाज के साथ यदि ऐसा होता तो बहुत बुरा है। अभी SP साहब आए थे आपके बीच, उन्होंने क्या कहा? SP साहब अभी आए, पहले भी आप कल भी सुनिए, कल जब हमने आंदोलन किया था घोड़े चौराहे पर, वहाँ हमें आश्वासन दिया कि शाम को 6 बजे तक इस चीज का हम पूरा खुलासा कर देंगे। शाम को 6 बजे तक आप हमें वक्त दीजिए। हम 7 बजे देहात थाने पर पहुंचे, उन्होंने हमें 0 पर कायमी जो हुई है उसकी हमें प्रति दी, और उस 7 बजे तक कोई अपराधी उजागर उन्होंने नहीं किया। अभी सुबह हमने 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि सर्व समाज मिलकर के एक उग्र आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, SP को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सामने किया जाए, सामने लाया जाए, बताया जाए, उजागर किया जाए कि ये अपराधी है, इन्होंने अपराध किया है, इस तरीके का मर्डर किया। अभी SP साहब का क्या कहना है? SP साहब का ये कहना है, अभी हमें बता के गए थे सब लोगों के सामने माइक के माध्यम से, SP साहब ने हमें जवाब दिया कि इसमें हमने जब जांच के दौरान पता किया, CCTV फुटेज हमने जगह जगह के दिखाए हैं, देखे उससे ये पता चला है कि इस का जो मर्डर है वो एक व्यक्ति ने किया है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। पर इस चीज़ से जब सभी जनता जनार्दन के पीछे इस तरीके की बात SP साहब ने बोली तो ये उचित नहीं है। और मेरा मानना है कि मीडिया, आप मीडिया वाले साथी हैं और आप लोग भी एक एक चीज़ से रूबरू हैं कि एक सेम उम्र के लड़के और एक पत्थर से पटक करके उसकी मृत्यु की गई है, 25 किलो का एक पत्थर है। जब तक लड़का जो मारने वाला है वो पत्थर को उठाएगा, तब तक वो उसका इंतजार नहीं करेगा कि मुझ पर पत्थर पटक और मैं मर जाऊँ, वो भागने का प्रयास करेगा। आपका ये मामला है, मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं और भी लोग, इसमें बिल्कुल, इसमें सबका ये मानना नहीं है कि आप लोग हैं, 4 से 5 लोगों ने हत्या की। और वहाँ पर जब शाम को हमारे कुछ लोग घटना स्थल पर गए शाम को, तो वहाँ पर आसपास एक कोई परिजन थे, उन्होंने उनके पास घटना स्थल पर जब बातचीत की गई कि भाई साहब यहाँ आपने कुछ देखा क्या, तो वहाँ से उनने ये बताया कि यहाँ पर 4 से 5 लोगों को हमने दौड़ते हुए यहाँ से देखा। इतनी बात हमारे सामने आई है और हम प्रशासन से, SP साहब से यही निवेदन करते हैं सभी जनता जनार्दन कि इस चीज़ का पर्दाफाश हो और बिल्कुल SP साहब इसको मतलब मीडिया के माध्यम से पूरा पब्लिक इस चीज़ को शो करें कि ऐसा मर्डर क्यों हुआ, पूरा जानकारी बताएं। और इसमें ये बताइए कि यहाँ जो आरोपी उसे घर को बुलडोजर से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मांग की जा रही है, क्या कहना, क्या बोला इसमें उन्होंने, किसके बारे में? बुलडोजर चलाने की मांग, बुलडोजर चलाने के बारे में बिल्कुल ऐसा किया गया है कि जिस अपराधी को पकड़ने की बात कर रहे हैं उस अपराधी के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के बैकग्राउंड से वो लोग हैं और वहाँ पर
लगभग 50 बीघा सरकारी जमीन पर उनका कब्जा है माता मंदिर के पीछे, और वहाँ पर उनका सरकारी जमीन पर ही तकरीबन 40 से 50 लाख की लागत का एक घर अच्छा सा बना हुआ है। सरकारी जमीन पर अभी जो चीज़ बनी है उनको तो कम से कम तोड़ा है।